हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइब्रेरी दिस इज शैलेश एंड इफ यू हैव नॉट लाइव आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन नोटिफाइट अपलोड आवर न्यू वीडियोस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डायगनल ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री ठीक है tree, तो ये हमारा क्वेश्चन है तो फिर समझाते हैं डायगनल ट्रेवर्सल होता कैसे है ठीक है तो जैसे आपका हम समझ लीजिए यहाँ पर ये दिया बैटरी ठीक है तो इन्होंने यहाँ लाइन लगा दिया है यहाँ पर एक दो तीन चार लाइन है मतलब देख यह सकते तो यहाँ पर एक ए e डायगनल हुआ एक ए e डायगनल हुआ और एक ए डायगनल हुआ ठीक है तो आपको पहले एक डायग्राम से समझाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो यहाँ क्या होगा आपका जैसे देखिए यहाँ आंसर क्या आएगा हमारा पहले एट आएगा फिर टेन आएगा फिर फाइव आएगा फिर फर्स्ट एंगनल खत्म अब सेकेंड एंगल पे आते हैं थ्री आएगा सिक्स आएगा सेवन आएगा टू आएगा सेकेंड एंगल खत्म अब थर्ड एंगल पे हम लोग आते हैं फिर फोर आएगा ठीक है तो ये हमारा कहानी होने वाला है डायगनल ऑर्डर में है। तो जिस तरह आंसर यहाँ पर आ रहा है आप लोग एक चीज यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो क्या जैसे आप हम लोग स्टार्ट कर रही है रूट नोट से एट से ठीक है तो वहां सेकेंड आंसर क्या होने वाला है जो उसके राइट पे है फिर क्या होगा जो उसके राइट पे मतलब क्या देख सकते हैं हम लोग कि कोई भी नोट है ना उसके सिर्फ राइट जाते जाओ और वो वाला आंसर प्रिंट करते जाओ पर वो कब तक करेंगे देखिए फाइव के यहाँ आएगा तो वहाँ नल आ जाएगा अपना यहाँ नल आ जाएगा ठीक तो उस समय क्या करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या करेगा यहाँ सिर्फ डेट थ्री पे जाना पड़ेगा मतलब सेकेंड वाले ये डाइंगल पर जाना पड़ेगा हमें ठीक है तो ये करना पड़ेगा तो अब आप बोलोगे कि फाइव से डैट थ्री पे कैसे जम करें तो उसके लिए क्या होगा मतलब, मतलब हमें क्या करना होगा उसके लिए थ्री का पोजीशन को कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा तो कहां शुरू करेंगे तो हम लोग यहाँ क्यू ले लेंगे ठीक है तो क्यू से डेटा आते जाएगा और फिर उसको विजिट करेंगे ठीक है और फिर जैसे लोग थ्री मिल जाता है फिर थ्री का भी वही काम करेंगे राइट जाओ राइट जाओ प्रिंट करते जाओ डेटा को बट यहां हम लोग जब भी ये काम करेंगे ना तो एक चीज ध्यान में रखेंगे जैसे मान लीजिए आप एट पर पहले आए ठीक पहले चेक करो पहले तो एट आंसर पर डाल दो ठीक है जैसे मान लो मैंने यहाँ एट आंसर में डाल दिया ठीक है अब देखो उसका लेफ्ट प्रेजेंट है कि नहीं अगर उसका लेफ्ट प्रेजेंट है तो उसको एक क्यू पे डाल दो मैंने यहाँ क्यू बना लेता हूँ एक तो तो आप क्या करो थ्री को एक क्यू पे डाल दो ठीक है अब अरे देखो आप उसको डायरेक्ट राइट भेज दो आँख बंद करके ठीक है अब वो राइट पे आया अब टेन हमारा आया डिस्कवर होने के लिए ठीक है पहले टेन को क्या करेंगे आंसर में डालेंगे ठीक है चेक करो उसका लेफ्ट कोई प्रेजेंट है नहीं है नहीं है सिंपली राइट भेज दो उसको राइट right पे आ गए हम लोग हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों क्योंकि हमारे हमको बोला है डायगनल और डायगनल हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी आंसर आ रहा है हमारा सिर्फ राइट राइट जाने से ही हमारा आंसर बन रहा है और खाली दिक्कत कहाँ होगा अगर हम कोई पोजिशन पे आ गए हैं जिसका राइट नल है तो उसको अब पोजिशन चेंज करना है मतलब डायरेक्टली अब वो नेक्स्ट डायगन पे जाना है उसको है और वो नेक्स्ट डायगल का पोजिशन हम लोग क्यों में स्टोर करते जा रहे हैं और वहां से डेटा निकलते जाएगा फिर वहां से वही काम करेंगे बस यही इसका ठीक है जैसे टेन के बाद उसका कोई लेफ्ट नहीं था तुमने तो राइट भेज दिए फाइव में आते हैं पहले फाइव को आंसर में डाल देंगे फाइव का लेफ्ट प्रेजेंट है हाँ है तो हम टू यहाँ पुश कर देंगे क्यू पे ठीक है उसको राइट भेज देंगे अब जैसे वो नल मिला हमें क्या बोलते हैं फाइव तो सिंपली अब क्या करेंगे क्यू से डेटा निकालेंगे हम लोग क्यू से डेटा क्या निकलेगा हमारा थ्री निकलेगा थ्री को क्या करेंगे हम लोग आंसर में डालेंगे और चेक करेंगे क्या उसका लेफ्ट प्रेजेंट है प्रेजेंट है तो वन डाल देंगे क्यू पे ठीक है और थ्री हमारा निकल जाएगा क्यू से और फिर उसको राइट भेज देंगे ठीक सिक्स पे आए पहले सिक्स क्या करेंगे हम लोग आंसर में डालेंगे ठीक है उसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्यू में डाल देंगे और अपने वो पॉप हो जाएगा क्यू से और चला जाएगा राइट पे फिर से सेवन पे आए फिर सेवन पहले आंसर में आया हमारा ठीक है उसका लेफ्ट है नहीं राइट भेज दिया और बस यही हुआ और फिर अब देख रहे हैं हमारा नल हो चुका है फिर क्यू से डेटर निकलेगा हम लोग का ठीक है मैं एक चीज भूल गया जब मैं फाइव आया ना तो फाइव को मैं फाइव का जो ये है टू सॉरी सॉरी तो डाला ही हुआ था आई मीन वेरी वेरी इसको क्यों क्यूँ निकाल दिया सर? <laughs> हमारा था पहले से ठीक है सिर्फ थ्री हमारा पॉप हुआ था पॉप नहीं हुआ था अब सेवन जब हमारा नल पे आया तब टू से हमारा डेटा मतलब क्यू से हमारा डेटा निकलेगा क्या निकला टू निकला डेटा तो टू को प्रिंट करेंगे हम लोग सिंपली और क्या करेंगे देखेंगे लेफ्ट जिस नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं करेंगे ये अपना पॉप हो जाएगा क्यू से अब पॉप होगा क्यू से वो मैंने गलती से पॉप कर दिया पता नहीं कैसे और फिर इसको राइट भेज देंगे ठीक है अब इसको नल आया है फिर हम लोग क्यू पे जाएंगे क्यों से डेटा निकालेंगे तो क्या है वन आया हमारा वन को आंसर में डाला वन का लेफ्ट चेक क्या कोई एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उसको राइट भेज देंगे और वन को पॉप कर देंगे क्यू से राइट गया तो इसका राइट पे कौन है नल है फिर से क्यू पे आएंगे क्यू में देखेंगे कोई डेटा है है फोर फोर को आंसर में डाले हम लोग फोर का लेफ्ट कुछ था नहीं तो कुछ नहीं डाले इसको पॉप कर देंगे और राइट भेज देंगे अब हम लोग का नल पे मिला हम लोग को और क्यू भी मिल चुका है बस सिंपली बाहर आके ये जो आंसर मिला हमें है। मैं बस करना है आपको, ठीक है? तो दिखा देता तो है हमारा देखिए क्यू लिया हम लोगों ने एक वेक्टर लिया आंसर ठीक है नॉट रूट रिटर्न सिंपल मतलब ए, मतलब एम टी वेटर्न हो जाएगा हमारा में पुश कर देंगे रूट को वाई नॉट क्यू एम टी टेम्प में हम लोग क्या किया? फ्रंट निकाल देंगे मतलब क्यू का डेटा निकाला उसको पॉप कर देंगे सिंपली अब चेक करो जब तक हमारा टेम एग्जिस्ट कर रहा है वाई लूप में ठीक है तब तो तक चलाएंगे लूप को और चेक करो अगर टेम का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है जैसे तो मैंने बताया था वहां पर टेम का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे पुश कर देंगे क्यू पे लेफ्ट वाले को और टेम का डेटा को आंसर में पुश कर देंगे आंसर में मतलब बोल रहा हूँ और फिर टेम को राइट भेज देंगे जब मैंने एल्गोरिथम बताया था आपको ठीक है मैंने बताया था आपको ये चीज तो ठीक है तो फिर टेम राइट आएगा ना तो इसी वाई रहेगा इसी वाई लुप पे ठीक है फिर चेक करेंगे कि टाइम का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है अगर कर रहा है तो पुश करेंगे टाइम का लेफ्ट को और टाइम का डेटा को आंसर में डालेंगे और सिंपली टाइम को राइट पुश कर दें राइट में शिफ्ट कर देंगे तो राइट भेज देंगे उसको और हम लोग का ये वाई लूप से बाहर कब आएगा नल का केस में जब मान लीजिए हाँ जैसे कि कहा चला गया हाँ जैसे फाइव पे हम लोग आए तो फाइव का जब राइट भेजा तो वहां से नल निकला हमारा ठीक है बड़ा सा नल निकला हमारा ठीक है उस समय क्या होगा तो वाइल्ड टेम तो नहीं कर रहा उस समय ना लगेगी वो तो सिंपली वैल्यू से बाहर आया ऊपर गया क्यू में गया ठीक है तो अब क्यू गया निकाला। तो उस समय हमारा क्या होगा जो सेकंड वाला फिर जो आएगा उसका टॉप का वैल्यू हमारे पास टेम में आ चुका होगा उस समय ठीक है फिर इसको पॉप कर देंगे क्यू से वाइल्ड टेप फिर चलाया टेम लेफ्ट एक्जिस्ट करता है तो पुश करो लेफ्ट आंसर में बैक करो डेटा को और टेप को राइट में जाओ बस ये करते जाएंगे हमारा आंसर पूरा आंसर में आ जाएगा बस सिम्पली फिर प्रिंट कर देंगे ए एन एस को बस इतना सही था सोल्यूशन और अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा है ओ ऑफ एन क्यों क्योंकि हम लोग सारे नोट को एक एक बार विजिट कर रहे हैं तो इसे ओ ऑफ एन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस है ओ ऑफ एन क्यू क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्यू यूज कर रहे हैं तो क्यू में सारे डेटा हम लोग स्टोर कर रहे थे ठीक है तो स्पेस भी हो गया ओ ऑफ एन टाइम भी हो गया ओ ऑफ एन आ दे सकते हैं सोल्यूशन हमारा करेक्ट है एकदम सही सोल्यूशन है चलिए बहुत अच्छी बात है तब अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय